हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम एमएस एक्सेल कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप की बुक से, तो आज हम उसका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 का फर्स्ट सेटअप आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहला यही करना है, नेमिंग ग्रुप्स ऑफ डेट। हम जब कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कोई फंक्शन लगाते हैं, तो हम उसको एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी रेंज को कोई नाम दे सकते हैं, उसको एक ग्रुप की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सेटअप की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा पहला सेटअप है। इसके लिए हमें व्हीकल माइल्स नाम की फाइल ओपन करनी है। तो हम एक्सेल की वर्कबुक ओपन करेंगे व्हीकल माइल्स, जो कि चैप्टर 3 में पहले से ही हमने एक्सरसाइज रखी हुई है। तो यहाँ से मैंने ये फाइल ओपन कर ली। ये कुछ इस तरह की वर्कबुक ओपन होगी। अब हम सेटअप में से वन बाय वन स्टेप्स पढ़ते रहेंगे और यहाँ पर अप्लाई करते रहेंगे, जैसे हम बाकी वीडियोस में भी कर चुके हैं। शुरू के हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसी तरह से किए थे। तो यहाँ मैं सेटअप में फर्स्ट स्टेप पढ़ती हूँ। इसमें है सेलेक्ट सेल C4 टू G4, इंटेंशनली लीविंग सेल H4 आउट ऑफ दिस सेलेक्शन। हम C4 से G4 तक सेलेक्ट करेंगे। लास्ट में जो H4 है उसको हम अभी छोड़ देंगे। और उस ग्रुप को एक हमें नाम देना है। हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, वो हम एक नेम बॉक्स में लिखेंगे जो कि फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड पे है। तो अब हम एक्सेल शीट पे आ गए। यहाँ पर हमने C4 से G4 तक सेलेक्ट किया और नेम बॉक्स में कोई भी नाम एंटर कर दिया। जहाँ पर C4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो हमारा नेम बॉक्स है, उसको रिमूव करेंगे। और वहाँ पर मैं कुछ भी नेम दे सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर व्हीकल माइल्स दिया और एंटर प्रेस किया। तो ये जो ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया था इसका नाम व्हीकल माइल हो गया। अब मैं जैसे ही ये सेल्स सेलेक्ट करूँगी वहाँ पर व्हीकल माइल्स लिखा हुआ नज़र आएगा। तो हमने इस ग्रुप को एक नाम दे दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप था कि हमें फॉर्मूला टैब में जाना है और नेम मैनेजर पे क्लिक करना है। फॉर्मूला टैब में नेम मैनेजर पे क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। और यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे हमने सेल C4 से लेके G4 तक सेलेक्ट की थी, तो हमने G को H से रिप्लेस किया और राइट वाले टिक पे क्लिक किया। उसके बाद हमने उस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दिया। तो अब जो व्हीकल माइल्स हमने नाम दिया था उसकी रेंज चेंज हो गई। पहले वो रेंज हमारी C4 से G4 तक थी, अब वो C4 से H4 तक हो गई। अब अगर हम इस ग्रुप का नेम कोई चेंज करना चाहते हैं तो हम डिफाइन नेम्स पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पर हम नेम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक हेलो नेम दे दिया, ओके पे क्लिक किया तो ये रेंज हमारी अब हेलो बन गई, इसका नाम हेलो हो गया। पहले इसका नाम व्हीकल माइल्स था, हमने इसको रीनेम कर दिया। अब मैं A1 सेल में क्लिक करती हूँ और वहाँ पर मैं एक सम का फॉर्मूला लगाती हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। वहाँ पर मैं रेंज का नाम दे देती हूँ। मैंने जैसे ही हेलो लिखा
ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो वो रेंज सेलेक्ट हो गई जिस रेंज को मैंने हेलो नेम दिया था, और वो रेंज का सम हमारा आ गया। यही प्रोसेस अगर हम अलग रेंज पे कोई और नाम देके करना चाहते हैं तो हम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, डिफाइन नेम पे क्लिक किया, यहाँ इस रेंज को कुछ नेम दे दिया, मैंने अपना नाम दिया, ओके किया, तो ये रेंज मेरे नाम से वहाँ शो होने लगी। अब हम इसके ऊपर कोई फॉर्मूला लगाना चाहें या कुछ भी, जो भी हम कुछ रूल अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम ब्रैकेट में वो रेंज देके कर सकते हैं। ये सेम मैंने सम लगाया दोबारा से इस रेंज के साथ, तो इस रेंज का सम हो गया। ऐसे हम कोई भी फॉर्मूला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सब समझ आया होगा यहाँ तक। तो ये हमारा चैप्टर 3 का फर्स्ट सेटअप था। इसमें इतना ही था जिसमें हमने किसी भी ग्रुप को कोई नेम असाइन करना सीखा है। तो हमने कोई भी कुछ भी सेलेक्ट किया, कोई भी रेंज जिसको हम अपनी इच्छा से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे 12 पॉइंट्स थे इसमें, तो हमने ये सारे कवर किए हैं। आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम ये सारा कुछ कर चुके हैं। तो इसके बाद हमें ये फाइल क्लोज कर देनी है। क्लीन अप हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेटअप के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट सेटअप है ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस से रिलेटेड, तो हम उसमें देखेंगे इन ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करना है। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेटअप के साथ। थैंक यू।